हेलो मित्रों, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रीत चैप्टर। प्रीत ये देख लो, ये प्रीत ट्रैक्टर है 6950 रब। ये थोड़ा पुराना मॉडल है, नया मॉडल तो है नहीं, रेयर डिस्क ब्रेक का। इसे क्या है, ये प्रीत में तकलीफ पता है। अभी क्या है, ब्रेक नहीं लगती, ये वाले ब्रेक दबाओ तो खड़ा ही नहीं होता। इसे ब्रेक का काम करना है। ब्रेक का काम करने के लिए पहले क्या करता है, इसे यहाँ से नीचे से इनका जो डिप्रेशन का ऑयल जो आता है, नीचे चाबी है यहाँ पर लगता है, एक आगे है एक पीछे, दो बोल्ट आते हैं नीचे से। आप सही से दिखाई नहीं देगा आपको। पहले तो क्या करते हैं, हम इसका ऑयल निकाल लेते हैं। ऑयल निकालने के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से खोलने का। ऐसे देखो मित्रों, यहाँ से पहले ऑयल निकालने का, ब्रेक खोलने से पहले ऑयल निकालो, क्योंकि ब्रेक आप सीधी तरह से ब्रेक खोलोगे तो वहीं से ऑयल निकलेगा। इसलिए यहाँ नीचे जो बोल्ट दिया है 24 नंबर का पाना लगता है, 24 नंबर का, ये आप देख सकते हो, मैंने ये पीछे से आप देख सकते हो। पहले ऑयल निकाल लो, ऑयल निकाल लो बाद में काम आगे करने का। ऑयल निकाल लिया, अब क्या करने का है मित्रों, आप सही से देख लो पहले, क्योंकि अंदर से कुछ सही से दिखाई नहीं दे, आप सही से ध्यान से देख लेने का। पहले क्या, ये वाले ये पिन जो आती है यहाँ पर, ये जो पैडल आता है ना, यहाँ पर ये पिन आती है। पहले ये क्वार्टर पिन निकाल के पिन बाहर निकाल लेगा यहाँ से। ये बाहर निकालने के बाद ये बाहर निकालो, यहाँ पर एक पिन आती है, ये ड्रम जो है ना वहीं पर एक पिन आती है, वो बाहर निकाल लो, वो बाहर निकाल लो। बाद में क्या, ये जो नीचे दो बोल्ट है यहाँ पर, सेटिंग बोल्ट जो बोलते हैं उसे, वो खोल लो। और ये सब, ये चपला जो है, ये लोहे वाला आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सेटिंग बोल्ट है और ये चपला जो दिया हुआ है ड्रम के साथ, वो निकालने का। यहाँ दो बोल्ट है, वो दो बोल्ट खोल लो, ये चपला बाहर आ जाएगा। पहले ये काम कर लो, समझ गए हो ना। देख लो, मैंने ये निकाल लिया यहाँ पर पट्टी जो थी। अब क्या है कि यहाँ ऑयल ड्रम में थोड़ा सा ऑयल होता है, तो ऑयल बाहर ना गिर जाए इसलिए नीचे बाल्टी एक रखने की कोई भी। अब ये खोल दिया, अब क्या करने का, ये बोल्ट जो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लो सही से मेरी उंगली, ये वाला, एक ये दो तीन चार सात बोल्ट जो आते हैं, आप देख लो नीचे से भी आप दिखाओ, ये ड्रम वाला जो बोल्ट है ना, वो सात बोल्ट आते हैं 19 के पाने सकते हैं। पीछे से मैं आपको सही से दिखाऊं, जो आपको दिखाई दे तो पीछे से सही दिखाई देगा। ये वाले बोल्ट, ये प्लेट जो आती है ना, ये प्लेट, ये वाले बोल्ट, ये खोल लेता। कारीगर क्या करते हैं, इसे टायर निकाल लेते हैं, पंखा निकाल लेते हैं, बाद में काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि इनमें थोड़ी सी जगह है, जगह है इसलिए ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो जगह नहीं होती तो करते, लेकिन ये जगह दिखाई देती है, मुझे मालूम है ये जगह दिखाई देती है। हमने खोल, ये पहले वाली ये प्लेट खोली थी, अब इनमें से डिश निकले, अब देख लो सही से भाई, डिश दिखाओ भाई। हाँ ये देखो, एक तरफ से ये सारा का सारा जो टूट गया है, जो लेदर आता है यहाँ पर, ये टूट गया, ये वाले का जब ये खराब हो गया है, इसे निकाल दो, ये रख दो, नहीं आप एक ही जगह पर बैठो, ये वाली है दूसरी, ये इधर लेदर सही है लेकिन इधर टूट गया है सारा का सारा, ये भी खलास, ये तो सही है, इनमें दोनों साइड से टूट गया है लेदर, आप देख सकते हो। इनमें भी दोनों साइड से टूट गया, यानी कि एक दो तीन चार प्लेटें इधर की और चार प्लेटें
उस तरफ की, यानी कि 8 प्लेटें ऐसी लेने की लेदर वाली, जो कंपनी लेदर वाली की प्रीत कंपनी देती है, 8 ऐसी प्लेटें, और ये वाली अब जो बोलते हैं ये तीन इधर की, तीन उधर की, 6 प्लेटें हम मार्केट में नया मंगवा लेते हैं कंपनी से, जो प्रीत कंपनी है ना उसी से अब मंगवा लेते हैं। अब सामान आएगा तब बाद में दिखाएंगे आपको, हम आपको दिखाएंगे। अच्छा हाँ मित्रों, ये देख लो, ये मार्केट से सामान आ गया है, आप देख सकते हो मित्रों, ये मार्केट से नया सामान आ गया। लेकिन आप देख लो, आप क्या करते हो, मुझे एक लाइक दो और सब्सक्राइब करो। आप क्यों कैमरे वाले घूम रहे हो मालूम ही नहीं होता, एक लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि हमारा हौसला और बुलंद हो जाए, बढ़ जाए, जो नया काम आएगा। अब दिखाओ ये वाला ब्लॉक, देख लो ये कौन सी पावर ग्रिप कंपनी का है, ये लेदर, अब देख लो ये लेदर, ये नया वाला आ गया है, आपको सही से दिखाई देता है नहीं, देखो दिखाई देगा, ये लेदर नया वाला आ गया है, पावर ग्रिप कंपनी का है। इन पे क्या है प्राइस, तो दुकान वाले ने निकाल ली है, और ये कस्टमर भी बोल नहीं बोलते कि कितने में आया है, लेकिन ये ओरिजिनल प्रीत कंपनी का तो है नहीं, वो तो हमें दिखाई देता है, यहाँ पर लिखा है स्वराज, आप सही से देख लो, आपको सही से दिखाई देगा प्रीत कंपनी का। और क्या था, एक ड्रम का जो ऑयल बूच आता है ना, वो यहाँ से टूट गया है, वो नया मंगवाया, वो ये कस्टमर ने वो कंपनी से लाया था, ये देख लो, वो प्रीत कंपनी का ओरिजिनल ही लाया, ये देखो ये वाला, इनमें स्वराज का लाया था नहीं चला। और ये कंपनी की प्राइस तो है सही, यहाँ से लिखो 227 रुपये, आप सही से देख लो 227 रुपये है, उन पर पार्ट नंबर भी मारा हुआ है, और यहाँ प्रीत भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ये सही है, ये कंपनी का है। लेकिन ये जो लेदर जो लाया है ना, प्लेट वाला लेदर, वो थोड़ा दिक्कत वाला है, परेशानी तो हमें ही होगी, कस्टमर को तो मालूम नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन परेशान तो गैरेज वाले ही होंगे। अच्छा अब ये तीनों प्लेट, इधर की 6 प्लेट और उस तरफ की, अब मैं ब्रेक किस तरफ से मैं लगाता हूँ आपको सही से दिखाऊंगा, तो आप देखते जाओ सही से। ये देख लो ये ब्रेक प्लेट है, ये अब इनमें क्या आती है, ऐसी गोलियाँ आती है, गोलियाँ 5 गोलियाँ आती है, लेकिन हमारी भाल की भाषा में इसे छरा बोलते हैं, इसे एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ यहाँ, ये पांचों रख दिए। अब क्या करने का, कुछ नहीं करने, ये प्लेट ऐसे घुमाने का, ऐसे घुमाने के बाद ऐसे रख दो, ये हो गया, तो बैठ गया, तो स्प्रिंग आती है, देख लो स्प्रिंग लगा लो यहाँ पर, ऐसा तो डिसमिस लेके इसे ऐसे लगा लो, ये हो गए एक, ये दूसरे वाली, ये हो गए, इसे यहाँ ग्रिप आती है, आप देख सकते हो यहाँ पर, इधर भी है और पीछे भी है, इसे ये वाला भाग इसे इस हिस्से में बिठा देना का, ऐसे आप देख सकते हो, यह बिठा दिया, अब इसे मोड़ दे बिठा के, और ऐसे ये ग्रिप यहाँ जो आती है इनमें बिठा देने का, ये बैठ गया, ये वाला हिस्सा बैठ गया, देखो ये प्लेट तैयार हो गई आपके सामने। अब क्या करते हैं हम, ये जो नई प्लेट लाए हैं उसे हम बिठाते हैं, आपको किस तरह से बिठाने का मैं सही से दिखाता हूँ। लेकिन क्या है सर, गैरेज वाले क्या करते हैं, तो टायर निकाल देते हैं, पंखा निकाल देते हैं, जिससे काम करने में बहुत आसानी होती है, लेकिन हमें इतनी मेरे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर पर ही ऐसे कर सकते हो,
लेकिन घर पर करने से पहले आपको क्या करने का, मुझे सब्सक्राइब कर लो यार और एक लाइक दे दो। अच्छा अब दिखाता हूँ मैं आगे क्या करना। देख लो ये ब्रेक प्लेट है ये, अब इनमें क्या आती है, ऐसी गोलियाँ आती है, गोलियाँ 5 गोलियाँ आती है, लेकिन हमारी भाल की भाषा में इसे छरा बोलते हैं। इसे एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ, यहाँ, ये पांचों रख दिए। अब क्या करने का, कुछ नहीं करने, एक प्लेट ऐसे घुमाने का, ऐसे घुमाने के बाद ऐसे रख दो, ये हो गया, ये बैठ गया। ये स्प्रिंग आती है, देखो स्प्रिंग, स्प्रिंग लगा लो यहाँ पर, ऐसा को डिसमिस लेके इसे ऐसे लगा लो, ये हो गए एक। ये दूसरे वाली, ये हो गए, इसे यहाँ ग्रिप आती है, आप देख सकते हो यहाँ पर, इधर भी है और पीछे भी है। इसे ये वाला भाग इसे इस हिस्से में बिठा देना का, ऐसे आप देख सकते हो, यह बिठा दिया। अब इसे मोड़ दे बिठा के, और ऐसे ये ग्रिप यहाँ जो आती है इनमें बिठा देने का, ये बैठ गया। ये वाला हिस्सा बैठ गया, देखो ये प्लेट तैयार हो गई आपके सामने। अब क्या करते हैं हम, ये जो नई प्लेट लाए हैं उसे हम बिठाते हैं। आपको किस तरह से बिठाने का मैं सही से दिखाता हूँ, लेकिन क्या है गैरेज वाले क्या करते हैं, तो टायर निकाल देते हैं, पंखा निकाल देते हैं, जिससे काम करने में बहुत आसानी होती है, लेकिन हमें इतनी बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर पर ही ऐसे कर सकते हो, लेकिन घर पर करने से पहले आपको क्या करने का, मुझे सब्सक्राइब कर लो यार और एक लाइक दे दो। अच्छा अब दिखाता हूँ मैं आगे क्या करना। देख लो मित्रों, अब ये क्या करता हूँ मैं, पहले मैं ये लोहे वाली प्लेट जो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये लोहे वाली प्लेट, ये लोहे वाली प्लेट को बिठाता हूँ। अब देखो इसे ऐसे रख देने का, ऐसे अब देखो ऐसे क्या है, देखो ये ऐसे रख दो, ये हो गई आपके सामने, देख लो ये हो गई। पहले अब ये लेदर वाली प्लेट, ये जो नई लाए हैं वो, अब दूसरी लेदर वाली प्लेट यहाँ पर ऐसे, यहाँ से जो इनके दांती आती है उसे मिला दो और ऐसे बिठा दो, ये बैठ गया, दो प्लेट हो गई। अब तीसरी फिर से लोहे वाली प्लेट, ये देख लो आपके सामने, थोड़ी दिक्कत तो होती है, ऐसे ये बिठा दो ऐसे। ये कैसे रखने का आप देख सकते हो ना, ये वाला भाग, ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ये ऐसे देखो दिखाई देता है ना, ये ऐसे ये हो गया, दो लोहे की प्लेट एक लेदर की। अब ये दूसरी लेदर की प्लेट, ये देख लो ये लेदर की प्लेट, ये दूसरी। अब क्या करने का है, उसकी जो छरा वाली प्लेट हमने बताई थी ना आपको, ये वाली, अब ये बिठाने का है। अब ये बिठाने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, मैं आप पीछे से देख सकते हो, भाई कैमरा पकड़ो और दिखाओ सही से, ऊपर लाओ यहाँ, खड़े हो जाओ, ये वाली प्लेट देख लो, इसे यहाँ पर ऐसे ऐसे रख दो, ये वो बैठ गई आपके सामने, देख लिया। अब क्या करने का है, ऐसे ही ये लेदर वाली प्लेट आप देखते हो ना सही से, दिखाई देता है ना, दिखाई दे रहा है, हाँ ये लेदर वाली प्लेट, ये लेदर वाली प्लेट, अब ये लोहे वाली प्लेट आप देख सकते हो, ये लोहे वाली प्लेट लेकर है, फिर से लेदर वाली प्लेट आप देख सकते हो, अब देख लिया। अब यहाँ प्लेट लगाने का है,
प्लेट लगाने के लिए पहले क्या करने का, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी एनाबोन लगा लेगी ये सर पर, ऐसे एनाबोन लगाने से क्या फ़ायदा है, इनका जो ऑयल लीकेज होता है ना वो नहीं हो। अब लगा लिया मैंने, अब प्लेट लगा देते हो, लेदर की प्लेटें तो सब लगा ली, अब मैं ये वाली प्लेट लगा ली, आप दिखाओ सांप को। ऐसे ऐसे बिठा देंगे, देखो मित्रों ये सब राउंड के मैंने जो प्लेट के बोल्ट थे ये सब, ये देख लो ये वाला, ये जो 7 बोल्ट थे वो लगा लिए। अब यहाँ से क्या थोड़ा आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन तो मैं से ये वाला रबर जो ये जो उसे बोलते हैं ब्रेक बूट रबर, ये यहाँ से लीकेज हो गया था अंदर से, तो ऑयल बाहर निकल रहा था, इसे ऑयल बाहर निकलने की वजह से ये ब्रेक फेल हो गई थी। अब ये नया डाल दिया है मैं आपके सामने। अब ये क्या है, इसे पहले ये वाला आप देख सकते हो, ये लोखंड वाला जो आती है वो, इसे बिठाओ ऐसे इस तरह से ऐसे, और इनके बाद ये स्प्रिंग, अब देख ये बड़े वाला हिस्सा, बड़े वाला हिस्सा अंदर की तरफ ऐसे, अब देखो और क्या करें, और अकेला हूँ थोड़ी दिक्कत होती है, मैं आपको ये लगाने के बाद दिखाता हूँ। देखो ये वाला ये हिस्सा पहले लगाओ, और ये स्प्रिंग, ये बड़े वाला हिस्सा अंदर की ओर, अब देखो ये जो लगा लिया थे वो क्या करने का है, इधर देखो एक, अब देख लो भाई ये ब्रेक का पूरा काम हो गया, आप देख सकते हो ये जो जो निकाला था वो, ये पिन निकाली थी ये लगा ली, ये वाला बोल्ट लगा लिया दोनों, ये वाली पिन लगा ली, स्प्रिंग पहले ये लगाने का, ये पतरा बाद में स्प्रिंग, और ये चपला बिठाने का, और ये दोनों नट, ये चेक में टाइट करने, और ये प्लेट। अब ब्रेक का काम पूरा हो गया दोनों साइड, उस साइड भी ऐसा ही है, दोनों साइड एक ही तरह आता है, अलग अलग नहीं आता। अब क्या है, अब मैं ऑयल डाल देता हूँ यहीं से, ये जो निकाला है मैंने ऑयल, गियर ऑयल 68 नंबर का आता है इनमें, 68 नंबर पतला ऑयल डिस्क ब्रेक में, वो डाल देता हूँ बाद में आपको दिखाता हूँ। हो गया, हो गया, कर दो बंद, ट्रैक्टर कंप्लीट हो गया है। प्रीत पंजाब की बनावट है भाई, अब दोनों ब्रेक बना ली हमने, आपके सामने देख सकते हो सही से, ये प्रीत ट्रैक्टर देखो भाई, ये प्रीत ट्रैक्टर की ब्रेक ऐसे होती है, आपने मैंने आपको दिखा दी, अब घर पर ही आप कर सकते हो जो आपने दिमाग हो तो। ये पहल का गैरेज है भाई, हमें जितना आता है हम इतना ही करते हैं, जो नहीं आता वो मना कर देते तो हम नहीं करते, आप जिससे करवाना चाहते हो करवा सकते हो, मैंने अपने दिमाग की ताकत से ये बना लिया। अच्छा भाई अब देखो, अब क्या करने का है आपको, आप लोग मुझे एक लाइक नहीं देते, एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो भाई, जिससे मेरा काम करने का तरीका जो है अभी तजुर्बा अपने का वो बढ़ता ही जाए, लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक दे दो तभी होता है, ऐसे नहीं होता। अच्छा भाइयों, अब पापा सीताराम ये है ट्रैक्टर का ओनर, आप देख सकते हो ट्रैक्टर का मालिक है, बहुत अच्छा किया बनाया, ब्रेक दो दिन से एक दो महीने से ऐसा ही नहीं चल रहा था, ऑयल बहुत लीक हो रहा था, इस तरह से उस कारीगर ने बहुत अच्छी तरह से ठीक कर दिया, अभी कंपनी का ला के डाल दिया, बढ़िया सा ब्रेक आता है, अभी बहुत मस्त कारीगर सहदेव है, अपना गाँव का ही है लेकिन बहुत अच्छा बढ़िया सा काम करते है, तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर भूलने का।
अच्छा भैया, ऑल द बेस्ट, बापा सीताराम।